Hello friends, welcome to our channel Study Villa. Hello friends, welcome back to my channel Study Villa. कैसे हो आप सब? आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन शेयर करेंगे. चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर इफेक्टिंग बताइए. चलिए बता देते हैं. द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. क्लोज सब्स्टिट्यूट का अवेलेबल होना. A good having close substitutes will have an elastic demand of a good. With no close substitute will have an inelastic demand. अगर किसी good का close substitute है तो वो elastic demand है. अगर किसी good का close substitute नहीं है तो वो inelastic demand है. Close substitute means कि अगर आप मतलब ये वाला है पेन, पेन तो पेन होता है, नहीं मिल रहा मार्केट में, क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं ना, सब्स्टिट्यूट है ना, वो ले लेंगे. तो ये इसकी क्या डिमांड है? इलास्टिक डिमांड. बट जिसका नहीं होता दैट इज़ इन इलास्टिक डिमांड. एग्जांपल पढ़ लेते हैं. कॉमोडिटीज सच एज पेन, कोल्ड ड्रिंक, कार एटसेट्रा हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. वही मैंने भी पेन का एग्जाम्पल दिया. ये पेन नहीं मिलेगा, दूसरा रेड पेन मिलेगा, तीसरा रेड पेन मिलेगा, कोई और का मिलेगा, किसी तो शॉप पे मिलेगा ज़रूर. अगर ये कंपनी बंद हो गई तो दूसरी कंपनियाँ तो है ना. तो दैट इज़ इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं. कोल्ड ड्रिंक है, आपको ब्लैक वाली लेनी है, रेड वाली लेनी है, जो भी लेनी है वो चीज़ आप ले लो. कोई उसमें वो नहीं है. ब्लैक भी दो तीन कंपनी की आती है, तो वो चीज़ें हैं, राइट. कार की भी है, जैसे एग्जांपल में हमने बताया. व्हेन द प्राइस ऑफ दिस गुड्स राइज, जब इन गुड्स का प्राइस राइज होता है, द प्राइस ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट रिमेन कांस्टेंट, देयर इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस गुड्स. देखिए वो कहते हैं व्हेन द प्राइस, जब प्राइस इन गुड्स की, ये पेन, कोल्ड ड्रिंक, कार एटसेट्रा, इन चीज़ों का प्राइस राइज होता है, तो इनके जो सब्स्टिट्यूट होता है ना वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाता कभी. मान लीजिए कि ऐसे मेरे पास ये दो पेन, अब इन दोनों पेन में से, हाँ जी, तो जैसे ये देखो मैं पेन ले आई एक और, ठीक है, तो ये दो पेन है मान लीजिए, वैसे ये सेम कंपनी के हैं, बट आप मान लीजिए दोनों के, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. अब सब्स्टिट्यूट होने से क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया. अब ये बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसको पता है इसका प्राइस 5 रुपये से 10 रुपये हुआ है तो लोग इसको थोड़ा कम खरीदेंगे, तो मैं अपना प्राइस 5 ही रुपये रखूँगा, क्योंकि फिर लोग इसको छोड़ के इसके पास आएंगे, यही रीज़न होता है, ठीक है. अब देखिए, प्राइस ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज़ प्रपोर्शनेटली ग्रेटर फॉल इन द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ दिस गुड. वही है कि जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसका सेम रहेगा, तो जिसका प्राइस बढ़ाया उसकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा फॉल आएगा, गिरावट आएगी, गिरेगी उसकी डिमांड, क्योंकि इसकी प्राइस 5 रुपये है और सेम को जो है वो भी लिखेगा ही, लिखने का ही काम करेगा, तो लोग इसी को प्रेफर करेंगे फिर, क्योंकि इसका प्राइस तो बढ़ गया है. ओके, कॉमोडिटीज सच एज प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड सॉल्ट हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मेडिसिन जो होती है प्रिस्क्राइब, मतलब जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे दे, और जो नमक है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. Hence we have an inelastic demand. इसका मतलब medicines और जो salt है वो एक inelastic demand है, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. Salt की जगह पे आप कुछ और यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको salt ही चाहिए. नमक का काम नमक ही करेगा, जो दवाई डॉक्टर ने लिख दी है तो वो दवाई आपको लेनी पड़ेगी, आप उसकी जगह पे कोई भी दवाई नहीं ले सकते. बुखार की जगह खांसी की दवाई लोगे कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. ऑलराइट, तो ये थी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. हम क्या पढ़ रहे हैं याद है ना, फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफ द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर इज हाई, अगर इनकम लेवल जो है एक कंज्यूमर की हाई है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस, तो जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कम होगी. इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, चेंज इन द प्राइस विल नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन. मतलब आप कमा रहे हो
काफ़ी सारा पैसा, ओके मैं कोई अमाउंट नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। अब ये पेन 100 रुपये का है, आप पहले से परचेज कर रहे थे, अब ये पेन 150 का हो गया, लेकिन आपकी इनकम तो ज़्यादा है ना, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ ग्रेटर प्रपोर्शन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके तो यही इसने बताया कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, किसी भी जो है चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए आपको कोई मतलब नहीं होता। अगर 100 रुपये का पेन 150 में 200 में आपको ख़रीदना पड़े तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इन लो इनकम ग्रुप द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हाई, लेकिन जो कम पैसा कमाते हैं बेचारे जिनकी इनकम कम है उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर उनके लिए 10 रुपये की चीज़ 15 की हो जाए ना तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी इज़ हाई। अगर इनकम कम है और प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया है तो नॉर्मल जो इनकम वाले लोग हैं, लो इनकम वाले जो लोग हैं उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई हो जाती है। लेकिन आपकी इनकम जो है वो हाई है तो आपके लिए वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपके लिए, लेस है। लेकिन अगर इनकम आपकी लो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाई है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको वो कर देती हूँ कि इनकम हाई है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मैंने ईडी लिख दिया है तो प्लीज़ ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपकी, ये लेस होगी। अगर इनकम लो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, हाई। ये आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके तो इनकम हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस, इनकम लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई। आपको इस पैराग्राफ में बस यही चीज़ बतानी है, ओके आई थिंक ये दोनों जो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लग्जीरियस वर्सेस नेसेसिटीज। यस, लग्जीरियस वर्सेस नेसेसिटीज। लग्जरी क्या होती है, लग्जरी कोई बता सकता है, हाँ जी मैम बता सकते हैं, बताइए फिर क्या होती है लग्जरी। लग्जरी का मतलब है 5-स्टार होटल में खाना खाना, बहुत बड़ी लग्जरी है भाई, डेली डेली तो नहीं खा सकते ना, एक ही बार खाएंगे कभी भी, लग्जरी। नेसेसिटी क्या है, ब्रेड मिल्क मेडिसिंस जो आपकी चल रही हैं वो तो आपको चाहिए ही है, डेली का ब्रेड बटर दाल रोटी तो चाहिए है ना, वो तो नेसेसिटी है। लेकिन 5-स्टार में खाना खाना इज़ नॉट नेसेसरी, ये एक लग्जरी है। गुड, अच्छा आंसर दिया आपने बच्चा। चलो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। बता दिया मीनिंग, छोटा सा ये उसी को बड़ा करके लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह है तो इतना डरने की बात नहीं है, ये इतना सा पैराग्राफ आपके लिए इतना सा हो जाएगा जब आप इसको समझ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी लो फॉर नेसेसिटीज एंड हाई फॉर लग्जरी। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है लाइकली टू बी लो, वो कम है किसके लिए, नेसेसिटीज़ के लिए, और हाई है किसके लिए, लग्जरीज के लिए। अ नेसेसिटी इज़ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर मस्ट हैव सच एज फूड एंड मेडिसिंस। नेसेसिटी ऑफ इज़ अ गुड, नेसेसिटी गुड के लिए हो सकती है या किसी सर्विस के लिए हो सकती है, जो कंज्यूमर को चाहिए ही चाहिए, डेली चाहिए कंज्यूमर को, फूड डेली चाहिए कंज्यूमर को, मेडिसिन डॉक्टर की सर्विस, अगर वो बीमार है तो उसको डेली चाहिए डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, उसे ज़रूरत है मेडिसिन की, उसे ज़रूरत है। लग्जरीज आर गुड्स दैट आर एन्जॉयबल बट नॉट असेंशियल। लग्जरी वो गुड होते हैं जो इन्जॉयबल होते हैं, जिसे हम इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन वो असेंशियल ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि लग्जरी के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर हमें रोटी सब्जी मेडिसिन ना मिले तो शायद हम ना जी पाए, क्योंकि इतना तो हमें चाहिए ही है। एग्जाम्पल ले लो लग्जरी का, ईटिंग इन अ 5-स्टार होटल लग्जरी है, ये डेली थोड़ी चाहिए हमें, ये ज़रूरी थोड़ी है, अगर इसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है ना 5-स्टार होटल में खाना खाने के बिना, ऐसा तो नहीं अगर 5-स्टार में खाना नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं सकते, बट अगर हम घर में दाल रोटी भी ना मिले तब हमारे लिए दिक्कत है, तो दैट इज़ नेसेसिटी, लेकिन ये नेसेसिटी नहीं, ये लग्जरी है। इफ़ द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज राइज द डिमांड विल नॉट फॉल बाय ग्रेटर प्रपोर्शन। अगर नेसेसिटी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है तो जो डिमांड है वो विल नॉट फॉल बाय ग्रेटर प्रपोर्शन, डिमांड उनकी कभी नहीं गिरेगी, बिकॉज देयर परचेज कैन नॉट बी डिलेड,
क्योंकि देखो उसकी परचेज में कोई डिले नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ब्रेड है, आटा है, आटा ले लेते हैं हम, आटा सबके घर में रोटी बनती है, डेली बनती है। अब आटा अगर 15 रुपये किलो है, कल 20 रुपये किलो हो जाए, 25 रुपये किलो हो जाए, लोग नहीं खरीदेंगे, लोग तो खरीदेंगे क्योंकि रोटी के बिना हो ही नहीं सकता काम। तो नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका नेसेसिटी वालों का एन, ठीक है, अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उनकी डिमांड फॉल नहीं होगी, डिमांड सेम रहेगी या बढ़ सकती है बट कम नहीं होगी, सेम रहेगी। प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड में कोई असर नहीं होगा नेसेसिटी के लिए। दैट इज़ वाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नेसेसिटी इज लो। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो नेसेसिटी की केस में लो है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। टोटल एक्सपेंडिचर का एक जो प्रोपोर्शन है वो जो प्रोडक्ट पे स्पेंट हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हायर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटिव टू टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मोर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हायर अगर कॉस्ट है किसी गुड की जो है, हायर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटिव टू टोटल इनकम, टोटल इनकम से ज़्यादा तुम जो खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट है, जो भी कंज्यूमर वो परचेज कर रहे हैं, मोर विल बी द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ़ द प्राइस ऑफ ब्रेड, इंक, सॉल्ट, मैच बॉक्स एक्सेट्रा विच इज़ रिलेटिवली लो डबल्स, इट वुड हैव ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ दैम। ऑन द अदर हैंड इफ प्राइज ऑफ कार डबल्स दैन द क्वान्टिटी डिमांडेड विल फॉल बाई अ ग्रेटर प्रपोर्शन शोइंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि कुछ भी नहीं कह रहा है, वो यही कहना चाहता है कि अगर आपकी इनकम है 10 रुपये तो आप 20 रुपये की चीज़ अगर खरीद रहे हो तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब ये कहना चाहता है कि अगर ब्रेड, इंक, सॉल्ट, मैच बॉक्स इन सब चीज़ों का प्राइस कल को डबल भी हो जाए, मतलब अगर एक नमक की थैली, नमक का पैकेट आज 18 का है, कल 36 का हो जाए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड में, डिमांड उतनी ही रहेगी, लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो नेसेसिटी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कार है वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन कार का प्राइस अगर 2 लाख से 4 लाख हो जाए, जो कार 2 लाख की थी, 2 लाख की थी वो 4 लाख की हो गई, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, जो कार खरीदने वाले थे वो रुक जाएंगे, वो वेट करेंगे उसके प्राइस के कम होने का, एंड आफ्टर दैट वो उसको परचेज करेंगे, राइट। तो यही इसमें बताया गया है, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, चलिए पढ़ लेते हैं। द मोर द नंबर ऑफ यूजेस अ कमोडिटी कैन बी पुट टू द मोर इलास्टिक इज द डिमांड। If a commodity has few uses, it has an inelastic demand. Example, goods like milk, eggs and electricity can be put to many different uses and hence enjoy elastic demand. That means the when prices are low, demand increases by a greater proportion as the goods can now to be put to less important uses also. चलिए मैं, आप सोच रहे होंगे क्या हो गया भाई, इनको एक एक लाइन समझा रहे थे, अच्छा भला पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया। नहीं नहीं, पूरा पैराग्राफ इसीलिए पढ़ा है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ के मैं एकदम से आपको समझा देती हूँ कि क्या है। देखिए जो इसमें बोला है, द मोर द नंबर ऑफ यूजेस अ कमोडिटी कैन बी पुट टू द मोर इलास्टिक इन डिमांड, मतलब कि जो कमोडिटी का जो यूज़ है हम उसको, मतलब कैन बी पुट टू द मोर इलास्टिक, उसको मोर इलास्टिक कर सकता है। इफ़ अ कमोडिटी हैज़ फ्यू यूजेज, अगर एक कमोडिटी के थोड़े बहुत ही यूजेज हैं तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। मतलब एक दूध है, दूध से आप दूध को चाय भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो ये यूजेज इसके दूध के ज़्यादा हैं, खीर भी बन सकती है, तो ये क्या है, इलास्टिक है। लेकिन अगर उसके यूज़ क्या होता, सिर्फ मान लीजिए अब जो चाय पत्ती है वो क्या कर सकती है, सिर्फ चाय बनाने के काम आ सकती है, तो उसकी वो जो क्या है, इन इलास्टिक डिमांड में आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, गुड्स लाइक मिल्क, एग्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट टू मैनी डिफरेंट यूजेस एंड हैंस इन्जॉय इलास्टिक डिमांड।
हम उसे कई डिफरेंट यूज उसके कई डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं तो और इलास्टिक डिमांड को इंजॉय कर सकते हैं। व्हेन प्राइस आर लो, जब इसके प्राइस कम होंगे तो डिमांड इसकी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर प्रपोर्शन में बढ़ेगी। गुड्स कैन नाउ बी पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑल्सो, मतलब प्राइस उनकी गिरते हैं उनकी डिमांड इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि एक ही चीज़ से हम कई चीज़ें कर सकते हैं, तो लोग सोचेंगे भाई अभी प्राइस गिरे हैं खरीद लो, जो जो कर सकते हो कर लो, दूध से तो कितनी मिठाइयाँ बनती हैं, कितना कुछ होता है, ठीक है। इसीलिए पॉइंट सिक्स, टाइम पीरियड। इफ़ द टाइम पीरियड नीडेड टू फाइंड सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी इज मोर, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, फ्लाइंग बाई एरोप्लेन हैज़ इन इलास्टिक डिमांड एज नो सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द शॉर्ट रन। देखिए वो कहता है कि इफ़ द टाइम पीरियड नीडेड टू फाइंड सब्सटीट्यूट, अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम सब्सटीट्यूट को फाइंड करें कॉमोडिटी को, सब्सटीट्यूट ऑफ द कॉमोडिटी इज मोर, जो कॉमोडिटी के सब्सटीट्यूट है वो ज़्यादा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, या फिर वाइस वर्सा उल्टी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लो, अगर फ्लाइंग बाय एरोप्लेन क्या है कि इन इलास्टिक डिमांड है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो वो अवेलेबल क्या है इन द शॉर्ट रन। तो बिफोर डिसाइडिंग वेदर द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, डिसाइड किसी भी कॉमोडिटी का डिसाइड करने से पहले कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये ऊपर वाले सारे फैक्टर्स हमें मेंशन करने हैं, मस्ट बी सिमल्टेनियसली कंसिडर्ड, मतलब कोई भी कॉमोडिटी है आप उसको इलास्टिक या इन इलास्टिक कहने से पहले ये छः पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको इन्हें कंसिडर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लग्जीरियस वर्सेस नेसेसिटी में से वो क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो उस पर स्पेंट होगी, और नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी क्या है, उसकी टाइम पीरियड क्या है। ये छह चीज़ें कंसीडर करने के बाद आप किसी चीज़ को इलास्टिक या इन इलास्टिक कह सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूँगी, ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स, लर्न कीजिए अपनी तरीके से, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको क्लियर कीजिए, इसको लर्न कीजिए, लिख के देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको लर्न नहीं है, दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना लीजिए कॉपी में, फिर उसको लर्न कीजिए, समझिए, फिर अपने तरीके से लिखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड प्रोसीजर यही फॉलो कीजिए, एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी विला, एंड एक बात कहूँगी, अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सबको बता रही हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, शायद अभी तक कई व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए वो रेड बटन जो है उसको क्लिक करना है, वो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, और उसके साथ का बेल बटन क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आते ही आपके दरवाजे पे ठक ठक हो जाए कि हाँ भाई स्टडी विला की अगली वीडियो आ चुकी है। ओके, तो कीप वॉचिंग स्टडी विला, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड अपने कन्फ्यूजन्स को कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड दूर कीजिए, और आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोई क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, मैं उसको आपके साथ वीडियो में शेयर करूं, उसके लिए वीडियो बना के दिखाऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बताइए, जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेश्चन की वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी विला, थैंक यू, बाय बाय।